हेलो जी, जय श्री राधे। आज भगवत कथा का दूसरा दिन है। पंडित श्री शिवम देव वशिष्ठ जी के द्वारा ये कथा यहाँ पर सुनाई जा रही है और हम सब यहाँ कथा का श्रवण कर रहे हैं। दूसरे दिन की कथा, और जितने भी मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर हैं, खूब सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को, जिससे लोगों के घर घर में ये भगवत कथा का ये मेरा वीडियो घर घर पहुंचे। और खूब आशीर्वाद दीजिए, खूब सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। तो आप निगलानी करती है, हमारे मुझसे गलती हो गई। तो कश्यप जी कहते, देवी श्राप को दे दिया, लेकिन आपको एक वरदान देता हूँ, जो आपके घर में पुत्र बनकर आएगा, वो भगवान विष्णु का परम भरत। श्री सुखदेव जी कहते, राजन ये हिरण्य कश्यप और हिरण्याक्ष कोई और नहीं, पूर्व जन्म में भगवान के द्वारपाल थे, जिनका नाम यह और ये था। एक बार संकादि ऋषियों ने जब भगवान के दर्शन की इच्छा करी, तो जय और विजय ने मना कर दिया कि भगवान आपसे नहीं मिल सकते। जब एक नहीं, दो नहीं, तीन बार मना किया, तो संकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया, आपके भगवान के भक्तों को भगवान से मिलने से रोका है। और एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार होता है, जाओ हम आपको श्राप देते हैं, तीन जन्म के लिए आप राक्षस बन जाओ। जब जय विजय भागे भागे भगवान के पास गए, प्रभु में श्राप मिल गया है। भगवान कहते, कहो तो श्राप से मुक्त कर दे। कहते, नहीं प्रभु, जो बोया है उसे काटना पड़ेगा, आज नहीं तो अगले जन्म में। से आप एक कृपा करिए, आप हमें एक वरदान दीजिए, हमने राक्षसों वाले काम करे हैं, हम तीन जन्म में राक्षस बनने को तैयार है, लेकिन प्रभु जब जब हमारे मृत्यु का समय आए, तो आप हमें मुक्ति दिलाने के लिए इस धरा पर अवतार हो। श्री सुखदेव जी कहते, राजन समय आने पर वही जय और विजय सतयुग के अंदर हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। उस समय भगवान ने ब्रह्म अवतार और नरसिंह अवतार लिया। त्रेता युग के अंदर यही जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बने। तो मेरे प्रभु ने रामा अवतार लिया और द्वापर युग के अंदर यही जय और विजय दंत वक्र और शिशुपाल बने। तो मेरे प्रभु ने कृष्णा अवतार लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन देव अवति अकृति और प्रसूति। देव अवति का विवाह सधर्म ऋषि के साथ हुआ और इनके घर में नौ कन्याएं और एक पुत्र का जन्म हुआ। और पुत्र के रूप में स्वयं कपिल भगवान का जन्म हुआ, जिन्होंने अपनी मां को ज्ञान दिया और मां को ज्ञान का उपदेश देकर स्वयं गंगा सागर की ओर चले गए। श्री सुखदेव जी कहते, राजन आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ और प्रसूति का विवाह प्रजापति। और समय आने पर वही सती राजा हिमाचल के घर में पार्वती रूप में जन्म लिया और फिर पार्वती का विवाह भोले बाबा के साथ। श्री सुखदेव जी कहते, राजा
इस प्रकार शिव कथा को यहां पर विराम दिया गया और एक छोटे से भाव को कहते हुए भावना से बोले की जय Yeah, I'm
देवताओं की आकृति प्रस्तुति का मैंने आपको वर्णन किया। अब मैं आपके इनके दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद का भी वर्णन करता हूं। उत्तानपाद की पहली पत्नी जिसका नाम सुमिति है, परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ लेकिन राजा के पास संतान नहीं। ऋषियों मुनियों का फरमान यही है, शमशान है वो घर जहां संतान नहीं। आज सुमिति कहने की महाराज एक काम करिए, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। राजा कहते रानी कल को जो हमारे घर में आएगी क्या पता उससे तेरी बनेगी या नहीं बनेगी। कहने नहीं महाराज, हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे। राजा ने बड़ा मना किया लेकिन सुनीति नहीं मानी। सुनीति कहती महाराज मैं आपको कह रही हूं कि हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज राजा सुनीति के कहने पर दूसरा विवाह कर दिया। जब दूसरा विवाह किया श्री राम जी, दीपक जी, पर आज मानो सुनीति के कहने पर आज राजा ने दूसरा विवाह तो कर लिया, और जैसे ही दूसरा विवाह किया अभी डोली राजा के महलों के बाहर दूसरी रानी ने डोली उठवा दी। रानी क्या बात है, कहती है राजा पहले अपनी पहली पत्नी को बाहर निकालना, तभी तेरे नगर में प्रवेश कर। दूसरी पत्नी जिसका नाम सुमिति सुंदर है, आज राजा विवाह नहीं करना चाहता था, पहली पत्नी से इतना प्रेम करता था लेकिन दूसरी की सूरत को देखकर आज पहली पत्नी को भी घर से बाहर कर दिया। अपना काम कर डाला, घर की मालकन को ही आते घर से बाहर कर डाला। आते ही तेरी पत्नी को निकलवा दिया।